going. Finally, मैंने मुंह शुद्ध धो लिया है तो अब मेरा बात करने जैसा मुंह हुआ है. मेरे डार्क सर्कल्स नेक्स्ट लेवल पे हैं. आई वॉजन एबल टू स्लीप प्रॉपरली फॉर लाइक 3 to 4 days. तो इसीलिए ये डार्क सर्कल्स थोड़े कुछ ज़्यादा इंक्रेज हुए हैं आज. एंड मेरी एक्नी is on another level, but we are not going to talk about it today. We are going to talk about happy things, all good things today. The reason why I picked up my camera today is I was really excited about going out. I know, such post pandemic life we are all living. I'm really excited to go out and go shopping for the first time in such a long time. But especially kapdon ke liye main itni zyada demotivated hui thi because all of us were living in our PJ sets, right? But now that we're out of the lockdown, we have places to be. Obviously sare SOPs ko follow karte hue, but I feel a lot more energized now, and I feel like shopping will motivate me a little bit more to get back into my creative element. So isliye I figured I'll take you guys along with me, because maybe agar aap nahi jana cha rahe ya aap ghar pe ho, maybe you can enjoy this experience with me and you can shop online as well and still avail the amazing discounts on both unstitched and ready to wear items while sitting at home. हाथ चलाते हुए बात करते हैं थोड़ी सी, वरना इस तरह तो पूरी रात हम इधर बैठे रहेंगे. सो आई एम गोइंग टू टेक यू गाइस टू खाड़ी टुडे, क्योंकि उनकी काफ़ी बड़ी सेल आई हुई है. विच यू कैन शॉप ऑनलाइन एज वेल, लेकिन इन स्टोर्स भी है ना. फिगर आप लोगों को ज़्यादा मज़ा इन स्टोर एक्सपीरियंस देखने का ही आएगा. सो आई एम टेकिंग यू गाइस देयर. तो अभी मैं सिर्फ SPF लगा रही हूँ. एनीवेज, व्हाट हैज बीन अप विद यू गाइस? आई नो मैं बहुत मिसिंग रही हूँ कुछ दिनों से, एंड ऑनेस्टली बिकॉज ऑफ ऑल द रेन्स एंड जस्ट लाइक, मतलब मुझे पता नहीं चलता कि टाइम कहाँ जाता है. एंड रिसेंटली जस्ट सॉ एंड आई वाज लाइक, एक महीना हो गया मुझे वीडियो पोस्ट किए हुए, मतलब पता ही नहीं चला कि कहाँ गया टाइम. एंड नाउ आई वाज लाइक, रिजा यू हैव टू फिल्म मोर. सो आई ऑलरेडी हैव अ कपल ऑफ वीडियोस फिल्म्ड एंड आई एम फिल्मिंग दिस वन एज वेल, जो कि मैं आज बस फिल्म कर रही हूँ. एंड आई एम गोइंग टू पोस्ट इट टुमारो. सो आई एम रियली एक्साइटेड एंड यू कैन सी मैं कितनी एक्साइटेड हूँ जितनी मैं जल्दी पोस्ट कर रही हूँ. तो या जस्ट पुटिंग ऑन सम कंसीलर. बहुत ही बेसिक किस्म का मैं मेकअप कर रही हूँ, नथिंग स्पेशल. You guys want to see my updated makeup type scenario? Let me know. I'm still thinking of doing my Nika makeup early video as well, so we'll get to that soon enough. Just need to do my liner and mascara now, but I bet this is getting really tiring for you guys. So मैं भी जाके AC में बैठती हूँ जरा और अपना liner mascara वहाँ पे जाके करती हूँ. But I will see you guys at the store looking much better than this sweaty mess right here. Hi guys, wait. अभी आसपास में कोई नहीं है, सो आई एम जस्ट टेकिंग दिस मास्क ऑफ फॉर अ क्विक सेकंड. तो यहाँ पे सारे SOPs फॉलो हो रहे हैं, आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू ऑल्सो फॉलो दीज SOPs. लेकिन द सेल इज गोइंग ऑन हियर राइट नाउ एंड आई वॉन्टेड टू शो यू गाइज सम पीसेज विच आर रियली रियली अफोर्डेबल. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ दैम, लेकिन मैंने पहले लिया था. सो आई वॉन्टेड टू पिक आउट सम रियली अफोर्डेबल पीसेज फॉर यू गाइज अंडर 4000. देखते हैं कि मुझे क्या मिलता है. आई हैव सीन अ कपल ऑफ पीसेज, बट अभी तक मैंने आउटफिट्स का डिसाइड नहीं किया हुआ कि मैं क्या करती हूँ. लेट्स सी, क्योंकि मुझे बड़ी क्यूट सी शर्ट्स नज़र आ रही थी, बट पूरा आउटफिट बनाना इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट. बट लेट मी शो यू गाइज माई आउटफिट फर्स्ट. मैच द लिटिल बर्ड्स विद द लिटिल बर्ड्स. ओके, लेट्स गो टू द सेल. Found myself a little corner. I have tried to pick out a lot of different kinds of stuff. तो आपको different trends का भी पता चल सके और पता चले कि ये चीजें कैसे लगती हैं. How can you put these outfits together when you're going back to work or even university? Ta-da! So this is our first outfit. ये है एक bat wing sleeves वाला top and it cinches you in at the waist, so silhouette भी बड़ी अच्छी सी आती है. And it's like grey printed और इसके ऊपर ये भी print हुआ हुआ है गले के ऊपर, which I think looks really nice and it kind of adds to that silhouette. And you can also add a belt here, black color का belt बहुत cute लगेगा. And then I have paired it with these tights. अब ये जो tights हैं इनके ऊपर ये बड़ी ही cute सी embroidery हुई है, as you guys can see little triangles right there, and it's
सो नाइस. इट्स बिन सो लॉन्ग सिंस आई हैव वॉर्न टाइट्स. आई डोंट नो व्हाई, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं वैसे टाइट्स, बट आई थिंक विद दिस आउटफिट इट लुक्स रियली रियली नाइस एंड इट्स सो कम्फी एज वेल. मतलब यू गाइस कैन सी इतना खुला डुला है, स्लीव्स भी इतनी मजे की हैं, इट्स लॉन एंड इट्स रियली वेयरेबल. मतलब आई थिंक ऑफिस वेयर के लिए दिस इज गोइंग टू बी माई टॉप प्रायोरिटी, बट दिस इज जस्ट द फर्स्ट ऑप्शन, सो आई डोंट नो. I really like it. Let me know what you guys think. But this is option number one. Of course, you guys know me well enough to know that Khadija is obviously going to pick out a really bright color. But honestly, this one's for all the girls jinko embroidery thi zyada pasand nahi hai, but you just want to go something really casual, but something really bright and fresh. It just gives you some kind of weird energy. I don't know, is it just me? Mujhe bright color pehen ke badi khushi hoti hai. So that's why I picked this one out. Ye ek two piece hai, and this is also completely under our budget. And you can pair this with any white pants. And I'm of course wearing my white today, but you can pair this with any white accessories, even with my little bag right here. You guys can see, goes so well. मतलब ये outfit कितना ही कोई cute लग रहा है, like दोनों खदीजा जख्मी. अच्छा honestly detailing भी बहुत प्यारी है. You guys can see इस पे ये buttons लगे हुए हैं, और इसके अलावा दामन के ऊपर इस तरह की scallop detailing भी हुई हुई है, which I find really cute. और ये आपको normal दर्जी नहीं करके देते, so you guys can see. These are all ready to wear, by the way. If I wasn't clear enough, but इसके साथ ये दुपट्टा है. I personally really like the wearability as well. मुझे इस तरह के outfits बहुत आसान लगते हैं पहनना, जो already pre-packed हो. You don't have to pair any dupatta with it, क्योंकि सुबह सुबह कौन सोच सकता है इन सब चीज़ों के बारे में. So that's why I personally really prefer इस तरह की टू पीस आउटफिट्स, जो आप प्लेन पैंट्स के साथ पेयर अप कर सको. एंड यू कैन ऑल्सो जस्ट एक्सेसराइज दम रियली ईजिली. कोई भी वाइट एक्सेसरीज के साथ, गोल्ड एक्सेसरीज के साथ आप इन्हें पेयर अप कर सकते हो. ऑब्वियसली आप इन्हें ड्रेसअप भी कर सकते हो फॉर नाइट एज वेल, लेकिन सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट वर्क वेयर and going back to work and university, I think this is a really nice option. And again, you guys know my love for dupattas. Main to itna repurpose karti hu dupatto ko, so these dupattas can be used for that as well. Outfit is for those of you who love embroidery like myself. So I think ये shirt जो है एक बड़ा ही अच्छा meeting point है when it comes to being casual yet a little bit of embroidery. ये पूरी shirt पे embroidery हुई भी है. It's not like completely full and bursting with embroidery जिसमें आपको लगे कि ये तो casually नहीं पहना जा सकता. You can always dress it up obviously, लेकिन इस पर bunches बने हुए embroidery के, as you guys can see there. और कलर बहुत प्यारा है. आई एम इन लव विद द कलर एंड द मटेरियल इज़ रियली सॉफ्ट एंड रियली वेयरेबल. आई हैव पेयर्ड इट विद दीज एम्ब्रॉयडर्ड पैंट्स, विच लेट मी गिव माई सेल्फ अ लिटिल बिट ऑफ क्रेडिट हियर. आई लव हाउ दीज लुक एंड दे गो रियली रियली वेल विद इट. ये दोनों सेपरेट चीज़ें हैं. आई लव हाउ ये जो ऑरेंज रेडिश एम्ब्रॉयडरी है, इट्स मेकिंग दिस शर्ट लुक सो मच मोर put together. Honestly, this has to be my biggest tip when it comes to shopping, especially in sales. First of all, stock up on basics. Secondly, shop for outfits. मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि हाँ ये भी चीज़ अच्छी लग रही है, वो भी चीज़ अच्छी लग रही है, मैं बगैर सोचे समझे उठा लेती हूँ. But I've learned it the hard way कि you need to be shopping for outfits. That just increases the chances of you wearing that outfit much much more. मेरे साथ बहुत होता है कि हमेशा मैं कोई ऐसी चीज़ उठा लेती हूँ जो मुझे स्टोर पर या रैक पर तो अच्छी लग रही होती है, but I come back and I'm like, मेरी वार्डरोब में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इस पीस के साथ जाए. सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज प्रेफर शॉपिंग फॉर कंप्लीट आउटफिट्स. तो बेशक मैं थ्री पीस या टू पीस आउटफिट्स नहीं भी ले रही हूँ, आई स्टिल मेक श्योर कि मैं कोई शर्ट और उनके साथ फिर भी टेस्ट करके पैंट्स ले लूँ इफ़ आई फील लाइक इसके साथ वाइट या ब्लैक पैंट्स नहीं जाएंगी, जो कि इस शर्ट के साथ मुझे लग रहा था ब्लैक और वाइट थोड़ा मैसा हो जाएगा. जस्ट लेवल्ड अप दिस आउटफिट अ लिटिल बिट. लेट मी नो व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट दिस थर्ड आउटफिट एंड दीज आर द थ्री लुक्स दैट आई ट्राइड आउट.